आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूर तनवीर सेठ नगर के रहने वाले आश्रया कमेटी के मेंबर सैयद इकबाल और मोहल्ले के निवासियों ने आज लॉकडाउन को लेकर अपनी मुश्किलात जाहिर की। ये भी कहा कि महिलाओं का जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उसके किश्तों को लॉकडाउन होने तक रोकें। मैसूर 24 चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। ओके, अस्सलाम वालेकुम। भाई सैयद इकबाल, तंदूर सेठ नगर में जो हालात है उस हालात के बारे में बात करने को क्या को बोले तो कई बार लॉकडाउन की वजह से माशाल्लाह सब जने बहुत खिदमत कर रहे थे। हमारे दोस्त हाँ अल्लाह तनवीर सेठ साहब खाना दिए थे, यहाँ को हर चीज़ की सहूलत थी कि बाहर नहीं जाना बोला था, वैसा सहूलत होता। इस बार क्या भी वैसा नहीं है। इसके वास्ते जो भी मेरे दोस्त हाँ मेरे फ्रेंड सर्कल जो ग्रुप है जो भी मदद करना चाह रही वो तनवीर सेठ एरिए को मदद करो बोला को ऐसे बहुत से एरिए हैं। एक तो ज़्यादा मजबूरी है, एक शॉप को जाना तो भी दूर, एक मार्केट को जाना तो भी दूर, हर चीज़ से बहुत दूर है। उसके वास्ते जगह को ले लगा कर मिली है तो कौम की खिदमत भी होते है, कौम का भला होता है। इसलिए ये सब आपको अदमिया से भी बोल रहे हैं, कई बार सब करें बोल, मैं भी एक दो तीन दिन से नहीं आया यहाँ, दूसरे कामों में बिजी हुआ। तो ऐसे प्रॉब्लम की वजह से हम सबको तकलीफ हो रही है, खाने को से भी तकलीफ है, सब कुली मजदूरी करने वाले हैं। जिन्हें भी इंसान जो मदद करना चाहता है तनवीर सेठ नगर को मदद करो, तो बोलिए और कुछ कहना चाहेंगे यार मैसूर के आवाम और मैसूर के आवाम के वास्ते। हर मैसूर के अंदर शांति नगर गौशिया नगर हर जगह भी संगा ले कोई, इस संगा की वजह से एक तो रमजान का तकाजा है, एक तो सभी कुली मजदूरी करने वाले, फिर उन्होंने आको जुल्म करको लीडर्स उनके आको बंदो संगा के पैसे को बोले तो उनके हाथ से बनने कैपेसिटी नहीं है। तो उससे पर्सनली अल्लाह तनवीर सेठ साहब को इसके बारे में पुलिस कमिश्नर को बात कर, डीसी और पुलिस कमिश्नर दोनों को भी जमता है, उनको बात कर को जो निमिट में स्टेशन से जो संगा चला रही जो संगा के पैसे बंधा लेने आती उनको बुला को सक्सेस एक वार्निंग कर को, ये लॉकडाउन बंद होने के बाद तुम्हारे पैसे बनते हैं बोला को मेहरबानी से ये संगा के बारे में बोलना। और दूसरा क्या को बोले तो तनवीर सेठ नगर को ले लगा को दवा मारने का है, ऐसे तनवीर सेठ नगर अमृता बड़ावण है नेहरू नगर ऐसे बहुत सी जगह है भारत नगर से, वो जगह में पहले डीसी बात कॉर्पोरेशन कमिश्नर अल्लाह तनवीर सेठ साहब बोल को पहले जगह को दवा मारने का, दवा मारने कर तो क्या होता है तो आने वाले जगह में फिर क्या बीमारी बढ़ती है को अदना के इतने सबके जहन में आ गया। ये बीमारी अगर नहीं बढ़ना चाहती पहले उनको हमें सेफ करना, ये दवा को मारने कराना, दवाया मारने कराना, उनको जो भी सहूलत है जो इंडिक्शन देना दवा देना कुछ भी है पहले ऐसे सलम मेरे को करे तो मुझे बहुत अच्छा दिखता है बोल को। इसके बारे में मेरी गुजारिश कहीं तो अब यहाँ 40-45 साल वाले अभी ही अब उनके पास प्राइवेट में ले देंगे तो 250 रुपये उनके पास नहीं, छोटे छोटे बच्चे ही अब उन्होंने कहाँ से लेंगे जाकर। उसके वास्ते वैसे सलम एरिया में वहाँ दवा मारने कराना, उनको इंडिक्शन दलाना क्या दलाना ये ऐसे एरिया में आपको डॉक्टर्स को भेज को सहूलत करे तो बहुत अच्छा रहता है बोला। माशाल्लाह हमारी एक व्हाट्सअप ग्रुप ही है उसके बारे में जो अब कितने की जिन्हें हमको मालूम है तुम्हें भी शायद रहेंगे ग्रुप में। अब वो ग्रुप में क्या बोला तो मैं किसी भी बीमार हूँ क्या भी हुआ उनको डॉक्टर के पैसे बनना हुआ प्राइवेट में जाकर इलाज करा रही उनके हाथ नहीं हो रहा तो वो सभी हमें कर रही सहूलत है। इसमें हमारा दोस्त शाहिद भी ही सब मिलकर किसी भी बीमार है उनको दवाएँ के छीटें दिए दवाएँ दे रहे हैं उनके घर तक क्या पहुँचाना पहुँचा रही है हमें हमारे से कोशिश कर रही क्या को बोले तो अब ये जिम्मेदारी बड़ी 1160 पॉइंट घर आई है तो ऐसे एरिया में खुद गवर्नमेंट वाले चाको करे तो सहूलत हो चाहिए बोला ना। ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह तनवीर सेठ साहब का, पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना बाद उनका शुक्रिया अदा करना। जो मामूली हॉस्पिटल के अंदर ये काम क्या भी मामूली कामों को नहीं बहुत बड़ा कामों को है कि कम से कम मुसलमानों को नज़दीक ही सच में उनको सहूलत हुई। बड़ी हॉस्पिटल को जाने कहते किसी ने डरती, बड़ी हॉस्पिटल को जाने डरती प्राइवेट में जाने डरती ये जो मुसलमान के एरिया में हॉस्पिटल है जरा अदमे क्या होता है शांतिनगर है जरा सहूलत है बाजू घर यहाँ जा सकती है मैं बोला उनको। ये बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला उनको इसके बारे में बहुत बड़ा अजर देता है तनवीर सेठ साहब को बहुत अच्छा काम करके ही और बहुत जिन्हें को सहूलत है जरा चनदमिया सहूलत है चनदमिया नहीं होने के उसके खिलाफ बोल रही वो सब भी मामूली तनवीर सेठ साहब को शेर को क्या भी वो सभी चलता नहीं शेर को बोलते रहती सुनते रहती छोड़ते रहती ये गलत भी बोल है पर उसे किसी के व्हाट्सएप में ग्रुप में आया था वो सभी गलत है वो सभी क्या भी नहीं उन्होंने जिम्मेदारी लेको जिम्मेदारी निभा रही उनके यहाँ से जितना काम हो रहा होता काम कर रही काम करने के बावजूद भी बदलाव कर देंगे तो सरासर गलत होता काम कर रही उनके काम जो करना है वो कर रही
अब कितने दिन आपको तो पूछो शांति नगर में बिड़ी कॉलोनी में बनी बात सहूलत है ना उनको जाने अब बड़े हॉस्पिटल को जाएंगे चलो बीमार हो गया ना तो डर रही नहीं आ सकते हैं मेरे को लाल बिड़ी कॉलोनी को तो आ रही है आराम से आपको देख को ट्रीटमेंट करवा जा रही अल्लाह ताला उसका अजर देता है जो बीमार है उसे अल्लाह शफा भी देता है रमजान का तकाजा शफा होता है और सबसे बड़ी चीज दुआ की जरूरत है दुआ कर रही है उनके उनके घर में बीमारी के वास्ते अल्लाह ताला सबको भी ये करे तो फंसे नगर में बहुत तकलीफ है अम्मियों को बहुत परेशानी है खाने पीने का इंतजाम लास्ट टाइम में बहुत कुछ करे थे अल्लाह सेठ साहब बहुत बहुत उन्होंने मदद करे थे ये बार क्या भी नहीं है उनको तो गुजारिश है अल्लाह के वास्ते उन्होंने ज़रा मेहरबानी करको गरीब आई खाने पीने की तकलीफ़ से उठा रही हूँ संज्ञा बंदो करी संज्ञा को पैसे बनने नहीं पाए एक तो एक घर में कमाया नहीं ऑटो ड्राइवर आई कौन कूली मजदूरी वाले ही सबको लॉकडाउन हो गया है इनके वास्ते ज़रा देख दिखा को रहती सेठ साहब की सेठ साहब से गुजारिश रहती क्या तभी कर को मोहल्ले में हमारे सहूलत कर को दियो कर को बोल को बहुत गुजारिश कर रही उनका मोहल्ला है उनका मोहल्ला आबाद है तो उनका नाम का झंडा बुलंद रहता है अल्लाह के वास्ते सेठ साहब से गुजारिश है हर एक मोमिन मुसलमान मरहूम मोमिन मुसलमान कितने की गरीबा हैं बेवाया हैं लंगड़े हैं काने हैं सब जने हैं बीमारियाँ हैं सब जने अल्लाह के फजल से मेरे हमारे मोहल्ले में क्या भी तकलीफ नहीं है बीमारी की एक परेशानी नहीं है सेफ्टी जोन में ही फिर भी हमारे सेठ साहब से गुजारिश है सबको आप सब लोग इंशाल्लाह ये रैपिड टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं जो आप मैं बता सकती हूँ कि वो जो इंजेक्शन लेते हैं उसके बारे में जो इंजेक्शन लेने वाले बहुत लोग मर जा रहे हैं बोल के बोल रहे हैं ये ऐसे ही गाड़ी सूदी है क्या पता नहीं है तो उन कैपेसिटी जो संभाल सकते हैं उन लोगों के लिए इंजेक्शन सही है बोल रहे हैं तो नहीं संभाल रहे वालों को वो लोग देते हो जाए अचानक कई कोई ऐसे मरना है आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आप तनवीर सेठ का नाम और तनवीर सेठ का झंडा बुलंद करने वाले आप कह रहे हैं तनवीर सेठ खुद इंजेक्शन ले चुके हैं जो हमारे जो खाजी सरखाजी बोलते हैं उस्मान शरीफ उन्होंने भी ये इंजेक्शन ले चुके हैं इकबाल भी ले चुके हैं इंजेक्शन तो इसके ताल्लुक से आप लेने में क्या दिक्कत हो रही है नहीं, हमारे बारे में नहीं बोल रहे हैं ऐसे गाली सुधे वो बोलते हैं ना दूसरों की बात मैं बता रही हूँ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं बोल के मैं बता रही हूँ तो पता नहीं कोई भी इधर लगाया नहीं है तो इधर सेफ्टी जोन में तो है किसी को कोई मुश्किल भी नहीं है किसी को मुश्किल है क्या इधर कुछ नहीं सेहत से तो गरीबी का माहौल है मगर सभी सेफ्टी से है इधर कुछ नहीं है तनवीर सेठ साहब का नाम जो है राशन पानी का इंतजाम कर को दियो थोड़ा संज्ञा को मदद करो ऋषि से जाके सेठ साहब से जाके थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि संज्ञा में अभी दो आराम नहीं बंधे दो हफ्ता नहीं बंधे तो उन लोगों को बड्डी पड़ता है इंटरेस्ट पड़ता है बोलते हैं इधर कमा खाने के लिए पैसा ही नहीं है तो उन लोग संगा किधर से बन सकते हैं तो हम सेठ साहब के ऊपर ही भरोसा रख सकते हैं वही जाके इसके बारे में बता सकते हैं लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद सभी लोग इधर संगा बन सकते हैं।